जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंदे का 15वां अध्याय सुना रही हूँ। सकल 18 सिद्धियाँ कही मुनि ने गाए, अष्ट सिद्धि अणिमादि को लक्षण कही बताई। सुनिए, श्री भगवान बोले, हे उद्धव, जितेंद्रिय योगी को सिद्धियाँ अपने आप प्राप्त हो जाती हैं। उद्धव जी बोले, हे भगवान, किस धारणा से किस नाम की ओर कैसी सिद्धि प्राप्त होती है? सिद्धि और धारणाएं भी कितनी है, यह सब मुझसे कहिए, क्योंकि आप ही यह सब जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, योग धारणा के पारवेताओं ने 18 सिद्धियां बताई है और धारणा भी 18 ही कही है। उनमें 8 तो प्रधान है, जिनका आश्रय मैं ही हूँ। बाकी की 10 सिद्धियां सतोगुण के उत्कर्ष से होती है। ये वे 8 ये है, अणिमा, महिमा, लघिमा, ये 3 तो देह की है और प्राप्ति, प्रकाश, ईशितव, वशिता, प्रकाम्य, ये सब 8 सिद्धियां स्वभावत मेरी ही है। देह में भूख प्यास का न लगना, दूर से ही बात का सुन लेना, दूर से ही किसी चीज को देख लेना, मन का वेग इच्छा अनुसार रूप बना लेना, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना, अपनी इच्छा से मरना, देवताओं का अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करना, मन चाहे बात का सिद्ध होना, ये 10 सिद्धियां सातो से उत्कर्ष से होती हैं। अब शुद्ध सिद्धियां ये हैं कि तीनों कालों की बातों का जान लेना, शीतोष्ण सुख दुखों का न प्राप्त होना, दूसरे के चित्त की बात को ताड़ लेना, अग्नि, सूर्य, जल, विषय आदि को रोक देना, किसी से हार न होना। अब जिस धारणा से जो होता है उसे सुनो। भूत समोपाधि वाले मुझ में भूत सूक्ष्म उपाधि युक्त मन के धारण करने से अणिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। महत्वोपाधि वाले मुझ में महत्वोपाधि युक्त मन के धारण करने से महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। आकाश आदि महाभूतात्मक मुझ में मन के धारण करने से उन भूतों की उन महिमा को प्राप्त हो जाता है। वायु आदि परमाणु स्वरूप मुझ में चित्त की धारणा करने से लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। वैकारिक अहंकारोपाधि स्वरूप वाले मुझ में चित्त की एकाग्रता करने से इंद्रियों के अधिष्ठात्व प्राप्त नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। क्रिया शक्ति प्रधान रूप महत्वोपाधि स्वरूप मुझ में चित्त की एकाग्रता करने से मेरी सर्वोत्कृष्ट प्रकाश नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जो त्रिकोणाय में माया के प्रेरक विष्णु भगवान में चित्त धारण करता है, उसे ईशितव नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जो योगी कुरुये नामक मुझ नारायण में मन लगाता है, उसे वशिष्ठा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है, जो निर्गुण मुझ पर ब्रह्म में मन एकाग्र करता है, वह परमानंद स्वरूप प्रकाम्य नाम की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस सिद्धि से सब कामनाओं का अंत हो जाता है। अब गुण हेतु वाली सिद्धियों को सुनो। श्वेत दीपपति मुझ में जो
मन को धारण करता है उसे शुद्ध रूपता नामक सिद्धि प्राप्त होती है और वह शुद्धा तृष्णा शोक मोह आदि से रहित हो जाता है। उसे ये नहीं सताते आकाश से प्राण रूप मुझ में जो मन से नाद को चिंतन करता हुआ रहता है वह जीव स्वयं आकाश की बातों को जानने वाला तथा वहां के प्राणियों की बातों को सुनाता रहता है। चक्षु को सूर्य में और सूर्य को चक्षु में लगाकर और वहां मन से जो मेरा ध्यान करता है तो वह सब विश्व को दूर से ही देखता रहता है। मन को और देह को तदनुवर्ती वायु के साथ मुझ में लगाकर जो मेरी धारणा करता है उसके प्रभाव से जहाँ मन जाता है वहाँ ही उसकी देह चली जाती है। जो योगी मन को उपादन करके मुझ में मन लगाता है तो जिस जिस देवताओं के रूप को धारण करता चाहता है उसी उसी इच्छित रूप को प्राप्त हो जाता है। सर्वत्र आत्मा स्वरूप से स्थित मुझे आत्मा रूप के ध्यान करने से योगी को परकाय प्रवेश नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस योग सिद्धि से योगी अपनी देह को त्याग कर वायु स्वरूप होकर एक फूल से दूसरे फूल में भोरे की तरह जा घुसता है। एड़ी से गुदा को दबाकर प्राणोपाधि वाले आत्मा को क्रम से वक्षस्थल कंठ मूर्धा में आरोहण करके और फिर मूर्धा के द्वार से निकाल कर अपने इष्ट स्थान पर ले जाकर ब्रह्मा में लीन कर देता है। इसे मृत्यु को संतर्त मृत्यु कहते हैं। उसकी इच्छा होने पर सुरो की स्त्रियां विमान लेकर उनके पास उपस्थित हो जाती है। मुझ में प्रणाय मनुष्य सत्य संकल्प मुझ में मन को लगाता हुआ जो जो संकल्प करता है वही पा लेता है। जो पुरुष सबके नियंता संतर्त मुझे भगवान के मन के स्वभाव को प्राप्त हो जाता है उसकी आज्ञा कहीं भी नहीं रुकती। मुनि का योग में शरीर अग्नि आदि से नष्ट नहीं होता जैसे मत्स्य आदि जल जंतुओं के शरीर का घातक जल नहीं होता। श्रीवत्स आदि से विभूषित मेरे अवतारों का चिंतन करता हुआ मनुष्य कभी भी किसी से हार नहीं खाता। इस प्रकार योग धारण से मेरे उपासक योगी को पहली कही हुई सब सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जितेंद्रिय चित प्राण मुनि के लिए कौन सी सिद्धि दुर्लभ है अर्थात कोई भी नहीं। यद्यपि उसे सब सिद्धियां प्राप्त हो सकती है किंतु उसे सिद्धियों के प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं करनी चाहिए। योग कहते हुए पुरुष को ये सिद्धियां विघ्न देने वाली है उसके योग में ये विघ्न भटकती है इसीलिए बिना कारण के ही धारणा करनी चाहिए। जन्म औषधि तपस्या और मंत्रों से सिद्धियां होती है परंतु भोग गति को अन्य उपायों से न प्राप्त करें क्योंकि सब सिद्धियों का पति मैं ही हूँ इसीलिए मेरे सिवाय दूसरे उपायों से योगी को प्रयोजन ही क्या है। दूसरे योग का सांख्य का धर्म का और ब्रह्मवादियों का पति मैं ही हूँ। मैं ही सब जीवों के आत्मा का अंतर्यामी हूँ और सब प्राणियों के बाहर भीतर मैं ही हूँ। जैसे पंच महाभूत प्राणियों में बाहर भीतर रहते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।
पंद्रवा अध्याय समाप्तम। जय भोले की 16वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।